सेक्शन में हम जानेंगे कोविड थर्ड वेव कितना अलग कितना खतरनाक हो सकता है। तो पहले हम लोग नज़र डालेंगे कि आज की सुर्खियों पर, कि आज के बारे में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। तो आज की सुर्खियों में हम जानने वाले हैं कि खबर क्या है, तीसरी लहर पहले दो से कितनी अलग है, सरकार का इस पे क्या कहना है, साथ ही साथ प्रभाव समझेंगे, आगे की राह समझेंगे और प्रश्नों को आगे समझने वाले हैं। आइए अब समझते हैं खबर क्या है। वर्तमान में कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश भर में लोगों को अपने चपेट में ले रही है। विशेषज्ञों के अनुसार अब देश में कोरोना की तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है। इस मामले में सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के विजय राघवन ने भी हाल ही में कहा कि कोरोना की तीसरी लहर तय है, लेकिन यह कब आएगी और इसका स्तर क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। आइए आगे बढ़कर समझते हैं तीसरी लहर पहली दो से कितनी अलग हो सकती है। कोरोना के प्रतिदिन बढ़ते मामले में चलते अस्पताल में ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों तक भी काफी कमी हो गई है, साथ ही देश की स्वास्थ्य सेवाएं चरमराती हुई दिख रही हैं। ऐसे में अब भारत में कोरोना की एक और लहर चेतावनी की दस्तक देती नजर आ रही है। दरअसल वायरस के बढ़ते संचरण को देखते हुए विशेषज्ञों द्वारा अब देश में इसकी तीसरी लहर अवश्यंभवी मानी जा रही है। ताकि पहली और दूसरी लहर के बीच वायरस का जीव विज्ञान बदल गया है, क्योंकि जिस प्रकार देश की जनसंख्या का अब बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है, तो ऐसे में महामारी के तीसरे चरण में वायरस में बदलाव का आना तय है। 2019 और 2020 में यह वायरस एक ऐसी कुंजी के रूप में फैला जो हर ताल में फिट हो जाए, जबकि अब 2021 में यह इससे भी ज़्यादा प्रभावी बनकर उभरा है, जो लगभग सभी लोगों में अपनी पकड़ बना रहा है। इस समय देखा जाए तो भारत में वायरस के कई वेरिएंट सक्रिय हैं। ये वेरिएंट अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में संक्रमण फैला रहे हैं। संक्रमण के विभिन्न रूप वेरिएंट होने के कारण ही कोरोना की दूसरी लहर ने देश में व्यापक पहुंच बनाई और मौजूदा वेरिएंट नए वेरिएंट के लिए रास्ता बनाएंगे। ये घातक नहीं भी हो सकते हैं और बहुत घातक भी हो सकते हैं। इसमें सर्वाधिक खतरनाक डबल म्यूटेंट वायरस, वैज्ञानिकों ने सार कोविड 2 के इस वेरिएंट को B11.617 नाम दिया है। अब तक देश में कोरोना का ब्राजील, यूके, दक्षिणी अफ्रीका आदि का वेरिएंट मिल चुका है। समझते हैं कि सरकार का इस पर क्या कहना है। कोविड की पहली लहर के प्रसार में लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता और सुरक्षा उपायों के संयोजन का प्रभाव योगदान रहा। दूसरी लहर के आने का कारण संक्रमण के नए तरीके रहे और कई बार प्रतिरक्षा भी संक्रमण को फैलने से रोकने में पर्याप्त नहीं होती, क्योंकि इससे पहले कि लोगों में कई प्रतिरक्षा सीमा बने हुए तब तक संक्रमित हो जाते हैं। ये उम्मीद की जा रही थी कि दूसरी लहर पहले लहर की तुलना में छोटी होगी और इसीलिए इसके इतनी बड़ी और प्रचंड रूप की आकांक्षा नहीं की गई थी, लेकिन कई मापदंडों के फेरबदल से यह बेहद गंभीर हो गई। पहली लहर के बाद जो प्रतिरोधन क्षमता उत्पन्न हुई वह सर्वव्यापी नहीं थी, क्योंकि पहले चरण में सावधानियां बरतने की वजह से अप्रभावित रहने वाले लोगों की संख्या बड़ी थी, लेकिन पहले से संक्रमित कई व्यक्तियों अब दोबारा भी संक्रमित हो सकता है। विशेषज्ञों के मुताबिक सार कोविड 2 का विकास प्रतिरक्षा को कमजोर कर रहा है। यह खसरा और इन्फ्लुएंजा के बीच कहीं ठहरता है, लेकिन बदल जाएगा। हालांकि खसरा की प्रतिरक्षा कभी खत्म नहीं होती, जबकि दूसरी तरह इन्फ्लुएंजा में यह तेजी से जर्ज हो जाती है। अब समझते हैं कि इसका प्रभाव किस प्रकार डालेगा। यद्यपि तीसरी लहर का आना तय माना जा रहा है, लेकिन इसका क्या असर होगा इस बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरे चरण में अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन की कमी, ट्रांसपोर्टेशन समेत कई समस्याएं सामने आई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वेरिएंट अभी वायरस के नए नए स्ट्रैंड बना रहे हैं,
जिससे यह अलग रूप लेकर लोगों को संक्रमित कर रहा है। इस समय जिस तरह से महामारी ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है, ऐसे में तीसरी लहर का आना तो परिणाम का अंदाजा लगाना मुश्किल है। अब समझते हैं कि आगे की राह क्या हो सकती है। सरकार का इस महामारी के मद्देनजर कई व्यापक कदम उठा रही है, लेकिन अब यह और जरूरी है कि कोरोना के प्रति लोगों को और जागरूक किया जाए, क्योंकि अब यह एक लंबी लड़ाई नजर आती है, जिससे जीतना है तो ना सिर्फ इससे संबंधित प्रोटोकॉल्स को मानना होगा, बल्कि इसको सही तरह से समझना भी होगा, तभी इसकी भयावह स्थिति की से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि लोगों को सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करते हुए अब ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। हालांकि अब देश में 19 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग के लिए भी वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने के साथ साथ सुरक्षा उपायों जैसे मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, सैनिटाइजेशन आदि को फॉलो करते रहने की भी अभी बहुत आवश्यकता है, तभी इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। तह आज का प्रश्न, कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत के लिए खतरनाक साबित हुई है, ऐसे में इसकी तीसरी लहर का भी अंदेशा लगाया जा सकता है, चर्चा कीजिए। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दीजिएगा। धन्यवाद।